ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। खबर सासाराम से है। यहां दहेज हत्या के एक मामला सामने आया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि दिनारा थाना क्षेत्र के बेन सागर में 27 वर्षीय महिला सविता देवी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। वही मृतक के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न एवं हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के भाई ने बताया कि उसकी बहन सविता के साथ हमेशा मारपीट की जा रही थी। शादी के 10 सालों हो गए थे, फिर भी दहेज के लिए उत्प्रताड़ित किया जाता था। भाई ने यह भी बताया कि उसकी बहन की मौत की सूचना ग्रामीणों ने दी। ससुराल वालों ने सविता के मौत की बात भी छिपाई। बाद में जब वारदात की सूचना मिली तो पुलिस की जानकारी दी गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया है। बता दें कि महिला सविता की मायका अर्थु गांव का था तथा उसके पति का नाम धर्मेंद्र कुमार है। घटना के बाद ससुराल वाले सभी फरार बताए जाते हैं। घटना कैसे हुआ? घटना तो बता रहा था कि उसके पति ने मार डाला है। कहाँ की घटना है? बेन सागर। कौन थाना? दिनारा थाना। क्या ना, कैसे, किस तरह से हुआ घटना? अब मारने को बोल रहा था, हम तो बाद में गए और देखे कि लाश वहाँ पड़ी थी। मैंने किस तरह के विवाद था वो पति पत्नी में? पति पत्नी में अब तो विवाद पहले से, हमारा गांव से 3-4 किलोमीटर दूर है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम राजेंद्र राम पड़ेगा। कौन था ना? दिनारा। देखिए, कल हम 12 बजे मेरे को कॉल आया इनके गांव से। मैंने नंबर दिया हुआ था अपनी बहन को, बोला था कि कोई भी अगर दिक्कत होगी तो मुझे फ़ोन करना। 12 बजे मुझे फ़ोन आया कि बाबू आपकी बहन को मारा जा रहा है, जहर दिया गया है। फिर मैंने तुरंत अपने घर पर फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद मैंने इनके घर पर फ़ोन किया, इनके भाई का नंबर था, मैंने फ़ोन किया। मैंने बोले भैया कि जो भी कुछ भी हुआ है आप मेरी बात करा दीजिए मेरी बहन से। तो इन्होंने बात नहीं कराई, ये बोल रहे हैं कि हम घर पे नहीं हैं। मैं हाथ जोड़ते रह गया। मैं बोला भैया बात करा दीजिए, मेरे को कुछ नहीं लेने देना, लड़ाई झगड़ी हुई है, मेरी बात करा दीजिए। इनके बाद मैंने 100 बार कॉल किया, उसके बाद कॉल इन्होंने मेरा उठाया नहीं और ना बताया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। फिर मैंने अपने घर वालों को भेजा, घर वाले गए तो घर वालों से पता चला कि वो मर चुकी है। मैं 1000 बार कॉल करते रह गया। मैंने इनके ससुर से बोला था कि अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, कोई भी झगड़ा होगा बताइएगा। यहाँ तक कि मर गई, लेकिन इन्होंने, इनके परिवार ने मुझे ये तक नहीं बताया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कारण क्या लग रहा है आपको, मौत का कारण क्या लग रहा है? मौत का कारण देखिए, अब मुझे, मैंने घर वालों को भेजा तब पता चला कि फांसी लगाया गया इसको। ऐसा कदम क्यों उठाया गया? ऐसा कदम उठाया गया है कि शुरुआत से उसके घर में दहेज के लिए, यहाँ तक कि जिस दिन विदाई हुई थी मैंने इसके ससुर से बोला था कि अगर कोई भी दिक्कत होगी, इसके ससुर ले गए थे इसको इसलिए क्योंकि इसके खाते में 35,000 रुपये, ये सरपंच थी अपने गांव की, पंच थी अपने गांव की, इसके खाते में पैसे आए थे। पैसे निकालने के लिए इसको यहाँ से इसके ससुर लेके गए थे जबरदस्ती, पैसे के कारण, और कोई लेना देना नहीं था पैसे के। मैंने उनसे बोला भी था कि अगर जो पैसे अगर चाहिए तो आप हमें बता दीजिएगा। पहले भी शिकायत की गई थी? पहले भी 1000 बार शिकायत हुई है, 1000 बार इसको मारा पीटा गया है, मार पीट के इसको भगाया गया है, 1000 बार हमने विनती करी है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है, पैसे की भी दिक्कत है, आप बोलिए हमें। क्या नाम है मृतिका का? सविता कुमारी नाम है। कहाँ शादी हुई थी? बेन सागर। बेन सागर। पति का नाम? पति का धर्मेंद्र। मैंने पूरा साजिश परिवार ससुराल वालों को पूरा साजिश करके मारा गया है। यहाँ तक कि मेरे लास्ट दिन मैंने इसके ससुर से बात की थी, मैंने हाथ जोड़ के बोला था, मैं इनको घर तक छोड़ने गया था, पुल तक, जो बेन सागर का पुल है मैं वहाँ तक छोड़ने गया था। मैंने इनके ससुर को घटना में हाथ जोड़ के शामिल है। घटना में पूरा परिवार शामिल है सर। कौन कौन? इनके जो एक हस्बैंड, ससुर, सास और जो भाई है वो भी। इनका भाई का नाम अशोक है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने फ़ोन किया, मैंने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, तो ये बोल रहे कि मैं अशोक बोल रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है आप बात करा दीजिए मेरी, खाली मेरी बहन से मेरी बात करा दीजिए। इन्होंने फ़ोन काट दिया मेरा। उसके बाद मैंने बहुत बार ट्राई किया फ़ोन लगाने के लिए। लेकिन मायके कहाँ है मृतिका का? अर्थु है। अर्थु कौन थाना पड़ता है? दिनारा थाना में। ससुराल और मायके दोनों दिनारे में थाने में? जी दोनों दिनारा थाने में। क्या नाम पड़ेगा आपका? अभय कुमार। कौन लगता है?
लगता हूँ उसका। बड़ा भाई जी, बड़े उसके चाचा का।